असलम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जीरक और आप देख रहे हैं जिम लाइफ विद जीरक यूट्यूब। कैसे मेरे दोस्त जिम बॉडीज ट्रेनिंग कर रहे हैं, बॉडी शॉडी बना रहे हैं, मौसम आ गया है सर्दियों का, एंजॉय हो रहा है, तो अच्छी बात है। दोस्तों आज ये डिस्कस करें कंपाउंड के बारे में। एक चीज मार्केट में बहुत ज्यादा इन हुई है, इसकी एक मिलती जुलती चीज हमने पहले कवर की हुई है जिसका नाम है कट मिक्स, लेकिन आज हम कवर करेंगे बल्क मिक्स के बारे में, हम आज कवर करेंगे आज की वीडियो में। और अगर आपने मेरी कट मिक्स की वीडियो नहीं देखी हुई तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वो जाके देख लें। दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मैं बल्क मिक्स और कट मिक्स दोनों को यूज करने के इनके हक में बिल्कुल नहीं हूं। अब मैं इसके हक में क्यों नहीं हूं मैं आपको बता देता हूं। अगर तो आपने स्टीरॉइड खरीद ली है, आपके पास पड़ी है, जारी बात है सस्ती नहीं आती, पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार रुपए की आती है, इंडिया में इससे हाफ में आती होगी। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं ये यूज करने के, तो फिर आप ये यूज ना करें। अगर आपने यूज करनी है और आपने खरीद ली है तो फिर ठीक है, उसकी तो साइकिल मैं बता दूंगा इसके अंदर आपको कि क्या क्या कैसे कैसे यूज करना है आपने। इसको यूज ना करने की वजह क्या है, सबसे पहली वजह ये है कि जो कंपनीज इसको बनाती है बल्क मिक्स को और कट मिक्स को, ये एज सच को इतनी नॉन कंपनीज नहीं होती। जैसे कि आप नाम सुनते हैं टाइगर वगैरह का, तो ये जो बड़ी कंपनीज होती है ये दोनों कंपाउंड नहीं बनाती। ये जो छोटी मोटी लेबोरेटरीज होती हैं कंट्रीज के अंदर अंडरग्राउंड, जो इलीगल काम कर रही थी स्टीरॉइड बनाती हैं, ये वो बनाती हैं। बल्क मिक्स ना रिकमेंड करने की दूसरी वजह क्या है, दूसरी वजह ये है कि इसके अंदर ट्रेन और डाइका दोनों एट द सेम टाइम पाए जाते हैं। और जो लोग स्टीरॉइड यूज करते हैं, जो इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, उनको पता है कि ट्रेन और डाइका एक साथ यूज करना बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए। और इसकी जो लास्ट वजह है, जो मेन वजह है इसको यूज ना करने की, रिकमेंड ना करवाने की, वो ये है कि इसकी जो डोजेज होती है, इसके अंदर जो स्टीरॉइड होती है, मतलब 3-4 मिक्स होते हैं, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है बड़ी अनइवन, बड़ी उल्टी सीधी होती है। सिंपल स्टीरॉइड साइकिल अगर आप करें किसी अकेले कंपाउंड की, तो उसमें तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको डिवाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने बल्क मिक्स की एम्प्यूल ले लिया, आपने एक वाइल ले लिया, तो इसको आपने कैसे लेके चलना है, आप कैसे सी साइकिल करेंगे। साइकिल के लेके दो मेन पॉइंट दूंगा। पहला पॉइंट ये होगा कि इसकी साइकिल जो है आपने 8 वीक से ऊपर बिल्कुल लेके नहीं चलनी। और दूसरा ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, इससे पहले आपने स्टीरॉइड कभी यूज नहीं की, तो आपने डायरेक्ट कभी भी बल्क मिक्स यूज नहीं करना, ना कट मिक्स यूज करना है। ये बहुत हार्श होता है, इसमें ट्रेन भी होता है, इसमें बोल्डिनोल होता है, टेस्ट भी होता है और डेका भी होता है। तो आपने कोशिश करनी कि आपने फर्स्ट टाइम यूजर से इसे दूर रहना है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बल्क मिक्स 500 mg का, इसकी साइकिल डिस्कस करेंगे। इसकी 600 mg भी आती है, 750 भी आती है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 500 mg बल्क मिक्स का। इसके अंदर 500 mg कैसे पूरा होता है, 500 mg पर ml होता है, यानी कि एक ml 500 mg कंपाउंड है। उसके अंदर आपके 200 mg टेस्ट है, 200 mg आपका डेका है और 100 mg आपका ट्रेन है, ट्रेन एनन्थेट। रिकमेंडेड इसकी जो डोज होती है वो होती है 1000 mg, यानी कि 1 ग्राम कट मिक्स पर वीक। वो आप इस तरह करेंगे कि आपने मंडे को डोज लेनी है 500 mg, यानी कि 1 ml, और 1 ml आपने जुमेरात को लेना है इसका 500 mg का। लेकिन आप नोट कर रहे होंगे कि इस तरह आपकी डोज टोटल बनेगी एक वीक की, वो बनेगी 400 mg डेका, और टेस्ट जो होगा वो भी आपका बनेगा 400 mg, जो कि थोड़ी डोज है। अगर आप उसका कंपैरिजन करें आप इसका बाकी डोज के साथ, ट्रेन के साथ, और आप इसका कंपैरिजन करें आप डेका के साथ, तो उस हिसाब से जो है ये डोज बहुत थोड़ी है। आपको कम से कम 500 mg वीकली लेना पड़ेगा टेस्ट, ताकि आपकी साइकिल मुनासिब सी चल सके। उसके लिए करेंगे, उसके लिए आपने ये करना है कि आपने टेस्ट साइपनेट की अलहदा से थोड़ी सी डोज परचेज कर रखनी है, जो कि जिसके अंदर सिर्फ टेस्ट साइपनेट हो। आपकी दोस्तों 2 महीने की, यानी कि 8 वीक की साइकिल स्टार्ट हो जाएगी बल्क मिक्स की। आपने करना है मंडे वाले दिन, आपने सिंपली 1 ml सिरिंज के अंदर आपने उतारना है, बल्क मिक्स को आपने उतारना है सिरिंज के अंदर और उसको इंजेक्ट कर लेना है। 2 दिन गैप देंगे, जुमेरात आ जाएगी, जुमेरात को आपने करना है, आपने लेना है 1 ml अपना बल्क मिक्स और साथ आप ऐड करेंगे 100 mg टेस्ट साइपनेट। बल्क मिक्स तो आपने लिया लिया 1 ml, लेकिन आपने साथ 100 mg टेस्ट साइपनेट भी ऐड करना है और आप इसको इंजेक्ट कर लेना है। तो इस तरह आपकी डोज थोड़ी सी मुनासिब हो जाएगी और आपकी डोज बनेगी एक वीक की 200 mg ट्रेन, 400 mg डेका और 500 mg टेस्ट साइपनेट। दोस्तों आपने अपनी यही साइकिल, यही डोज लेके चलनी पहले से लेके 8वें वीक तक, ठीक हो गया। आपने वीक के जो पहली डोज आपने लगानी है वो अकेली आपने लगानी बल्क मिक्स की, और जो अगली डोज होगी उसमें आपने एक्स्ट्रा 100 mg टेस्ट साइपनेट ऐड कर देना है अपनी डोजेज को मुनासिब बनाने के लिए। आपके 8 वीक खत्म हो जाएंगे, आपने थ्रू आउट यही डोज लेके चलनी है। 8 वीक 2 महीने पे खत्म हो जाएंगे बल्क मिक्स के। उसके बाद आपने 1.5 वीक का गैप देना है, तकरीबन 10 दिन का गैप देना है, और अपनी स्टार्ट कर देनी पीसीटी। पीसीटी आपने लाजमी करनी है। और अगर आपको पीसीटी का नहीं पता कि पोस्ट साइकिल थेरेपी कैसे करते, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वो जाके फॉलो कर लें। उसमें तमाम मैंने मेडिकेशन बताई हुई है कि आपने कैसे फॉलो करनी, कैसे नहीं करनी। इसके अलावा मैंने वो स्टार्ट में वार्निंग दी थी कि यार ये जो है स्टेरॉइड जो है बल्क मिक्स, ये कंपाउंड बहुत ज्यादा हैवी है, तो इसको तो आप बिगिनर से बिल्कुल यूज नहीं करना। अब जारी बात है जो दूसरे लोग हैं, जो इंटरमीडिएट, जो एडवांस है, जो इसको यूज करते हैं, वो भी जारी बात है इंसान तो है ही है, नुकसान इसने आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा करना है। तो आपने प्रीकॉशंस लेके चलने, कुछ साथ साथ कुछ प्रीकॉशन आपने साइकिल के दौरान करने, कुछ बाद में करने हैं। उन प्रीकॉशंस में मैंने 2 वीडियोस बनाई बड़ी कंप्रीहेंसिव, वो वीडियो जाके देख लें, उनका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूं। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो कैसे लगी, होप यू लाइक द वीडियो। अगर मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को भी लाइक किया करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।